मेरे साथ नई ऑडियंस जुड़ी है, उनको नहीं पता है कि आपके पापा कब आ रहे हैं, तो मेरे पापा भी अभी हम सोच रहे हैं क्या क्या बनाने। अभी हम बूढ़ी नहीं है, अभी कोई फला नहीं दिया ब्राह्मणों को। जैसी काम की बारी आई है वैसी मेरी माँ मेरे से बात करने। पापा लोग दो भाई हैं। मेरी मम्मी को खुद भूख लगती है दोस्त, गालियाँ दे रही है फोन कर करके, मेरे चैनल उड़ाने की धमकी देते हैं। ज्यादा दया तो मुझे कल रात को पंडित जी को देके आई, क्योंकि मम्मियों को पता चलेगा तो फिर वो भी इंसान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं अभी, और मैं जा रही हूँ माता रानी के मंदिर में साफ सफाई करने के लिए। और अभी अभी रात खुली है, अभी पूरी भी नहीं खुली है, और माता रानी के मंदिर में जाना है साफ सफाई करने के लिए। तो जिन बर्तनों पे कल रात पूजा आरती हुई थी उन बर्तनों को अभी धोना है हमें। 8-9 दिन तक सुबह सुबह ये ड्यूटी लग गई है हमारी। और माता रानी के मंदिर में बर्तन धोने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर, और यहाँ मेरी माँ भी लगी हुई है घर की साफ सफाई करने पे। तो अभी हमारा स्नान वगैरह सब कुछ हो गया है और मैं जा रही हूँ माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अभी पूजा हो रही है अंदर, और जब भी हमारे यहाँ नवरात्र पड़ती है तब भी हमारे यहाँ प्रत्येक दिन 2-3 परिवारों की बारी लगती है मंदिर में खाना बनाने की। तो आज मेरी दोनों चाचियों की बारी है खाना बनाने की। तो अभी चाची चाचा दोनों बैठे हैं पूजा में, और मेरी बड्डी भी दर्शन करके चली गई है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद और टीका वगैरह लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। और दोस्तों मेरे घर में इतने भयंकर लोग हैं कि ये बातें यहाँ कर रहे हैं, मुझे उनकी बातें वहाँ तक सुनाई दे रही है। तो इनका वार्तालाप हो रहा है अपनी अपनी बारी के दिन खाना बनाने के लिए, और आवाज़ मुझे नीचे तक आ रही है। और मेरे तो 9 दिन के व्रत हैं, तो मेरी माँ का बहुत था व्रत करने के लिए, पर जब मेरी माँ ने 2 डांट मेरी खाई उसके बाद मेरी माँ ने अपने लिए अभी नाश्ता बनाना शुरू करा है। क्योंकि मेरी माँ को ये समझ में नहीं आता है कि सबसे बढ़कर अपना शरीर है, अगर तुम स्वस्थ हो तो तुम व्रत रख सकते हो, जब तुम्हें खानी रोज रोज दवाई तो तुम क्या व्रत रखोगे। तो ये चीज़ मेरी मम्मी डांट खा के समझती है। तो दोस्तों अभी मेरी माँ की नाक लग रखी है मुझसे। तो आज पंडित जी का खाना हमारे यहाँ बन रहा है, और मेरी दोनों चाचियों की बारी है आज खाना बनाने की। और फलाहार इन्होंने अभी तक नहीं बनाया, ये पंडित जी को दूध पिला पिला के उनका पेट भर देगी। दूध मिल नहीं रहा तुम्हें? हमें मिला है, बल हम पंडित जी को पिलाएंगे। तो क्या क्या बना रहे तुम आज? हम सब चीज बना रहे। अच्छा, सब चीज बोले तो सब चीज बाद में दिखाऊंगी दोस्तों मैं क्या क्या बनाते हैं ये सब चीज। बूढ़ी नहीं है, अभी कोई फलाहार नहीं दिया ब्राह्मणों को। तो फलाहार की जगह इन्हें खुद भूख लग गई है दोस्तों, इसलिए इन्हें अभी कुछ पता नहीं है कि ये क्या क्या बना रहे हैं। नहीं दोस्तों, अभी हम सोच रहे हैं क्या क्या बनाना। अभी हम सोच में पड़ रखे हैं दोस्तों, थोड़ी देर बाद बता देंगे जो भी बनेगा। तो दोस्तों कल रात ये इतने नाचे इन्होंने मुझे कल रात को सोने ही नहीं दिया। और मेरी चाची इन्हें भयंकर डांस कर रही थी कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, अगर बनाती तो चाचा चाची का कमर ही तोड़ देते दोस्तों। चाची की जान मैंने बचाई दोस्तों कल रात को। तो अभी मंदिर को बंद करके पंडित जी जा रखे हैं हमारे यहाँ फलाहार करने, और बंद इसलिए करा है कि वहाँ अखंड ज्योति हवाएं हो रही है, तो इसलिए हल्के फुल्के दोनों दरवाजे लगा रखे हैं। दादी ने अपनी गाय जंगल भेजी थी दोस्तों, पर जहाँ दादी होती है दादी की गाय दादी की खुशबू सूंघ लेती है और वहीं आती है। दादी हमारे घर बैठ रखी थी तो गाय पहले दादी को लेने आई, और अब गाय को लेके जा रही है गौशाला में। तो बहुत सुंदर गाय है दादी तुम्हारी। बढ़िया लिए भाई, बहुत बढ़िया। तो गाय अभी चली गई है नीचे खेत में घास खाने के लिए। तो अभी सबसे पहले हमें जाना है मार्केट
हमारे थोड़ा बहुत काम है वो निपटाने हैं हमें। तो सुबह से वैसे मेरी माँ की मेरे साथ नाक लगी थी, पर जैसी काम की बारी आई है वैसी मेरी माँ मेरे से बात करने लग गई है। मेरी माँ बहुत मतलबी है दोस्तों। और सुबह शाम तो यहाँ पे बहुत भयंकर ठंड हो रही है, और दिन में इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि गर्मी में कहीं भी जाना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो अभी मैं आई हूँ पूजा का सामान लेने के लिए चाचा की दुकान पे। मार्केट के हमारे सारे काम हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। और मार्केट से मैं आ गई हूँ घर, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। चाची ने सामान मंगाया था, वो चाची को देने के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, पर जो मेरे साथ नई ऑडियंस जुड़ी है उनको नहीं पता है, तो मैं बताना चाहती हूँ। मेरे पापा लोग दो भाई हैं, जिसमें से हमारा घर यहाँ पे है। हमारा घर तो आप लोग रोज ही मेरे ब्लॉग में देखते हो, और मेरे चाचा लोगों का घर यहाँ पे है। और ऊपर से अभी मैं आ गई हूँ नीचे। और दोस्तों मेरी माँ इतनी भोली है कि मैं क्या बोलूँ। मैंने व्रत रखा है सुबह से, मेरी माँ लग रही है ये खा वो खा, और अभी फलार भी बना दिया है। और मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने जिंदगी में कभी दूध नहीं पिया, पर मेरी माँ सुबह से लग रखी है कि दूध पी। मेरी मम्मी को खुद भूख लगती है दोस्तों, तो मेरी मम्मी को ये लगता है कि सबको भूख लगती है। सुबह से मेरी माँ ने कम से कम 80 बार मुझे बोल दिया कि ये खा वो खा वो खा ये खा, क्या बोलूँ मैं अपनी माँ। अगर मैं आ नहीं रही हूँ दोस्तों, तो इतना पता है मेरी माँ को ये व्रत है, सीधे गालियाँ दे रही है, फोन कर करके गालियाँ दे रही है मुझे, क्या बोलूँ मैं अपनी मम्मी को। और अभी शाम हो गई है और धूप चली गई है सामने पहाड़ी पे, और मेरी माँ यहाँ पे जो सामने पेड़ों में हमारी राजमा लगी हुई थी उसको अभी मेरी माँ छिल रही है, और वो इतनी सारी है और राजमा उसमें इतनी सी निकल रही है। और बारिश की वजह से इस बार राजमा की फसल बिल्कुल बर्बाद हो रखी है हमारी। तो अभी नंदिस का मामा यानी कि हनी आया है, मेरा छोटा भाई, और ये आया है अपने दादा के साथ, और दादा इसके साथ घूमते रहते हैं। जब भी हनी आता है तभी दादा की ड्यूटी लग जाती है हनी के पीछे। जिस साइकिल से नंदिस लोग खेलते हैं वही साइकिल सभी बच्चों को चाहिए होती है। अब ये टूट गई है, पर बच्चों को याद रहती है भाई कि उनके घर में गाड़ी है, तो बच्चों की याददाश्त बहुत भयंकर तगड़ी होती है। तो किसी ने बिल्कुल सही बोला है कि तुम्हारी उम्र कोई सी भी हो, बेटी से प्यारा जवाई और बेटे से प्यारे नातेड़े। तो दादा हमारे अपने नातेड़े को आराम से घुमा रहे हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने मोहल्ले में। बाकी यहाँ से चाची चाचा की ड्यूटी है आज मंदिर में खाना बनाने की, और सामने बड्डी जा रखी होगी अपने घास काटने के लिए, और उधर है संजू भैया, तो मैं अभी संजू भैया के साथ ही जा रही हूँ। और यहाँ से इन्होंने आधा से ज़्यादा जो बेल थी वो ख़त्म कर दी है, तो आज यहाँ खुला खुला सा लग रहा है। तो अब मेरी बड्डी के जो बीज वाले कद्दू हैं वो भी आने लग गए हैं घर, और एक मेरी बड्डी ने यहाँ पे रखा है और तीन वहाँ पे रखे हैं। तो कुछ टाइम इनको धूप पे सुखाया जाएगा, फिर इनको जैसी अगली गर्मी आएगी अप्रैल मई के महीने खाया जाता है। वैसे शिवरात्रि में भी खाया जाता है, पर मोस्टली हम गर्मियों में इन्हें खाते हैं। अब मेरे भैया सुबह से गायब हैं, पता नहीं कहाँ, पर मैं सोच रही थी कि खेत गए होंगे, पर खेत कूद कहीं नहीं गए हैं, भैया अंदर सो रखे हैं। तो मेरे भाई का कुछ काम धाम नहीं है दोस्तों। पहले मेरे भैया पढ़ाई करते थे, और अब मेरे भैया पूरे पूरे दिन रात मूवी देखते हैं। तो भैया कौन सी मूवी देख रहे हैं आप, बताओ ना। बॉलीवुड हॉलीवुड? तो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं मेरे भैया, हॉलीवुड की फिल्मों के शौकीन हैं। तो दोस्तों हमने कल लगा दी थी झंडी, पर भैया अभी लेके आए हैं मंदिर से, तो भैया अभी लगा रहे हैं। और ये सब झूठ है दोस्तों, मेरा भाई कल ही लेके आ गया था, मेरा भाई सो रखा था दो दिन से, सच बात ये है ना। तो दोस्तों जब मैं सच बोलती हूँ, मेरे भैया मेरे चैनल उड़ाने की धमकी देते हैं दोस्तों। और आज मेरे भैया पूरे दिन भर गायब भी थे दोस्तों, पता नहीं कहाँ जा रखे थे। अच्छा, मंडवारती के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं दोस्तों। तो सबके घरों में झंडे लग रखे हैं, बाकी मेरे भैया अभी लगा रहे हैं। भैया लोगों के छत के ऊपर से हमारे पूरे गांव के नज़ारे बहुत सुंदर दिखते हैं। और दोस्तों अब इनकी लौकी की बेल भी सूखने लग गई है, और इस बार इनके यहाँ से हमने पता नहीं कितनी लौकी खाई, इतनी लौकी खाए, तो भगवान करे
क्या भैया अगली बार ऐसी पौधे फड़ जाए। ये लौकी लौकी नहीं लगी थी मशरूम का यार। ये लौकी की बेल हमारे यहाँ से कहीं चली जाए, अगली बार इन लौकियों में आग लगे, इनमें कीड़े पड़ जाएं, पर लौकी ना हो, क्योंकि ये लौकी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और अब हम चाह रहे हैं ये सारे सूख जाए। उतनी लौकी नहीं लगी जितनी उन्होंने मच्छर लाई था। मच्छर ये जितनी भाई जितनी भी लगी उतनी खा खा के बोर तो हो गए ना। मैं इतनी भी बेच पाए इतनी हो जाए। सबसे ज्यादा दया तो मुझे कल रात को पंडित जी को देख के आई। मैंने उन्हें ऑप्शन दिया कि मैं क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए, तो उनका सिंपल था कि हमने लौकी नहीं खाई है, लौकी बना लो। मुझे इतनी भयंकर हंसी आ रही थी, पर क्या करना था, जो कुल पुरोहित हैं वो दरअसल मेरे अपने मौसा जी हैं, मेरी मम्मी के मौसी की बेटी है उनके लिए, तो मौसा जी की बात माननी पड़ती है। तो अब हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में देखने के लिए कि मेरी कि हमारी चाची क्या क्या कमाल कर रही है। मैं सोच रही हूँ दोस्तों कि इन्होंने काटा है पर ये टूटा है, बल भगवान करे ये सब टूट जाए आज रात को सब पे। तो भगवान करे ये जितनी भी लौकी की बेल दिख रही है सब टूट जाए आज। मेरे भैया बोल रहे हैं कि कोई तोड़े और हमें उसका नाम पता चले और हम 15 दिन तक उसे पार्टी दें, और पता भी सिर्फ हमें चले, हमारी मम्मियों को नहीं, क्योंकि मम्मियों को पता चलेगा तो फिर वो इंसान, हम तो 15 दिन की पार्टी दे रहे हैं पर उसे 6 महीने की पार्टी मिलेगी दोस्तों रोज। और आज सुबह से मेरे दोनों चाचा का बर्थ था और अभी इन्हें इतनी भूख लग गई है दोस्तों की स्थिति। मैं और भैया यहाँ से देख रहे हैं, ये हमें नहीं देख रहे, ये नॉन स्टॉप खाना खा रहे हैं, भचका रहे हैं, भचका रहे हैं खाने को। क्या हो रहा है, तो हम भी गिनेंगे तुम्हारे। कोई बात नहीं चाचा, मैं तो जवानी में ही ऐसी हूँ, हमारे खून में ही ऐसा है। तो अभी हम आ गए हैं हमारे घर चाय पीने के लिए। तो मेरे पिछले कुछ ब्लॉग में कमेंट आए थे कि आपके पापा कब आ रहे हैं, तो मेरे पापा कुछ दिनों में आएंगे और हो सकता है कि मेरे पापा काल रात्रि को आए। काल रात्रि हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और 7वें दिन मनाई जाती है, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है पापा का। रात हो गई है और अब हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में आरती करने के लिए, और आज मैंने घी खाया है और घी और दूध से मुझे बहुत भयंकर एलर्जी है, तो आज मुझे सर दर्द हो रहा है। और वहाँ आरती होने लग गई और इनका चेस ही खत्म नहीं हो रहा है, ये लगे हुए हैं चेस खेलने पे। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।